हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनीवेयर लर्निंग। और मुझे तो अब आप लोग अच्छे से पहचान गए होंगे मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपकी मैथ्स की एजुकेटर। ओके बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्शन, जिसमें नियर अबाउट हम लोग अपने चैप्टर को फिनिश करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अनलाइक टू लाइक फ्रैक्शन में चेंजिंग हो गई, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना हो गया, ऑल द थिंग्स, सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड आई होप आपको सब क्लियर भी होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप सब लोगों ने अपनी अपनी एक्सरसाइज की थी कि नहीं? कल जो मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई थी, और उससे रिलेटेड बहुत ढेर सारी एक्सरसाइज आरएस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों में है, तो आप लोग की कंप्लीट हो गई है बेटा। कंप्लीट करते चलिएगा, नहीं कंप्लीट करेंगे बस मेरी बात को सुनेंगे और वहीं पे आगे स्टॉप होकर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चले जाएंगे आप, तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लाई जो फ्रैक्शन का होता है बेटा, बहुत ही ईजी होता है। मल्टीप्लाई करना तो आप सब लोग को आता है, सबको आता है ना मल्टीप्लाई करना, तो ये बहुत ही इजी है। इसमें हम लोग को कोई डिनोमिनेटर सेम नहीं करना पड़ता है, कोई हम लोग को एलसीएम नहीं लेना पड़ता है, किसी भी तरह का एलसीएम लेके हमको इसको डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन का एक फार्मूला है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस। प्रोडक्ट मीन्स जहां पर भी प्रोडक्ट की बात की जाती है उसका मतलब सीधा सीधा आप लोग को समझ लेना चाहिए कि यहां हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको प्रोडक्ट निकालने को दिया जाता है, तो कुछ बच्चे उसका सम निकाल देते हैं, कुछ उसका डिफरेंस निकाल देते हैं। नहीं, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमिनेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। वेरी इजी वे, क्या करना है, अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया है तो क्या करेंगे आप, न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू सी एंड b इंटू डी। है कि नहीं इजी, कुछ नहीं करना है। अब देखो, अब मैं एग्जांपल लेती हूं, 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 2। ठीक है, इसमें मैंने फार्मूला क्या बताया कि प्रोडक्ट ऑफ देयर न्यूमिनेटर एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर। इसमें एक चीज आप और कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो हमें सिंप्लीफाई करना आप सब लोग को आता है कि टेबल सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे में भी हम ऊपर और नीचे कट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस में कर सकते हैं, बट सामने सामने कभी भी आप कट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, 4 अपॉन 5 10 अपॉन 2। ओके, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, और आपका आंसर आ गया 4। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम रख लेते हैं 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 2, क्या आ गया आपका, 10 फोर जा 40, 5 टू जा 10, एक जीरो से एक जीरो आपने कट कर दी, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बहुत इजी होता है बेटा। मल्टीप्लाई करने में हमको कोई भी अनलाइक को लाइक में, सबसे डिफिकल्ट चीज आपको यही लगती है कि मैम अनलाइक को लाइक में जो चेंज करना है, एलसीएम निकालना है, फिर उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, वो कोई भी चीज हमको यहाँ पर नहीं करनी पड़ती है, हमको सिर्फ उसके जो न्यूमिनेटर है उसका प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट निकाल के उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। क्या एग्जांपल है, अच्छा एक चीज और है, देखिए एक चीज और है वो भी समझ लेते हैं। कहीं पर भी आपने देखा होगा ऑफ का यूज, यूज ऑफ ऑफ। ठीक है, क्या है, यूज ऑफ ऑफ। ऑफ मींस क्या होता है, कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये, ठीक है, इसका क्या यूज है। ऑफ मतलब होता है बेटा मल्टीप्लाई,
जहां पर भी ऑफ लिखा है आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको उन दोनों चीजों में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, उसका प्रोडक्ट निकाल देना है। ठीक है, जैसे ए अपॉन बी ऑफ सी, ऑफ आ गया, इट मींस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई सी, तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं c इंटू ए अपॉन बी। ठीक है, अब यहां पे हम इसको नंबर रख के बताती हूं मैं, क्या है कि 2 अपॉन 5 ऑफ 40, ओके ऑफ है, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब ये 40 है कि नहीं। अब इसको या तो इसको 40 अपॉन 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा बताइए आप लोग, मैंने 40 था तो 40 अपॉन 1 कर दिया, तो क्या इस 40 की वैल्यू में कोई चेंज हुआ, यस और नो? नो, इसकी वैल्यू में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। अब या तो आप ऐसे कर दीजिए 42 जा 80 अपॉन 5, अब इसको आप सिंपलीफाई करोगे 5 1 जा 5 5 6 जा 30, आ गया आपका 16, ओके। सेकेंड वे में कैसे कर सकते हैं, 2 अपॉन 5 इंटू 40 अपॉन 1, 5 8 जा 40 8 2 जा 16, दैट इज योर आंसर, सेम आंसर। टेक्निक क्या थी, दो, बट आंसर क्या है, सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि बहुत इजी है। किसी को कोई दिक्कत लग रही है इसमें, ये सबसे इजी वर्क है हमारा मल्टीप्लाई करना, वो भी फ्रैक्शन का। ऐसे तो आप मल्टीप्लाई करते हो तो बहुत बड़े बड़े डिजिट आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करने में क्या है, एक तो हमारे लिए इजी टर्म ये है कि हम उसको सिंप्लीफाई पहले ही कर सकते हैं। जब हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया बेटा, तो हमारे पास छोटी छोटी डिजिट आ गई, छोटी डिजिट आ गई, तो हमने तुरंत मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ओके। चलिए एक और मैं करके बताती हूँ आपको, और थर्ड वाला आपका होमवर्क रहेगा, थर्ड वाला आप नोट डाउन कर लेंगे, ओके। 5 अपॉन 9 ऑफ 48, क्या किया हमने, 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 48, अब कट कर दीजिए इसको, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 3 6 जा 18, अब 16 इंटू 5 अपॉन 3, क्या हो गया 16 इंटू 5 अपॉन 3, 16 5 जा 80 अपॉन 3। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं या एज इट इज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 कैरी हो गया, 3 6 जा 18, 2 अपॉन 3, एंड दैट इज योर आंसर, क्लियर। अब ये थर्ड वाला आपका होमवर्क है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। अभी इसी से रिलेटेड और क्वेश्चंस हैं, अभी कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके आरएस अग्रवाल में आप देखिएगा दिए हुए हैं, उसको भी अभी मैं क्लियर कर देती हूँ स्लाइड के बाद, आप जल्दी से उसको नोट डाउन कर लीजिए और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो होमवर्क में लिख लीजिए। चलिए, हो गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखिए, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है 1 अपॉन 5 ऑफ रूपी, ऑफ ए रुपीस, ठीक है, क्या कह रहा है 1 अपॉन 5 ऑफ ए रुपीस, मतलब एक रुपए का 1/5 पार्ट कितना होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1 अपॉन 5 ऑफ ए रुपी, इसका मतलब क्या कह रहा है बेटा कि एक रुपए का 1/5 पार्ट क्या होगा। अब मुझे कोई बताएगा कि 1 रुपीज में पैसे कितने होते हैं, जल्दी से बताइए कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, वेरी गुड। 1 रुपीज में हम लिखेंगे, वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, ओके। अब स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई, 1 अपॉन 5 ऑफ 100
पैसा, ऑफ की जगह क्या लगा दिया आपने, मल्टीप्लाई, है ना। अब 5 × 5, 5 × 2 = 10 इज इक्वल टू 20 पैसा। तो वन एक रुपए का 1/5 पार्ट क्या है, 20 पैसा, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पे भी पूछे कि कोई भी फ्रैक्शन दे दिया हो और पूछे कि उसका कितना पार्ट होगा, या अब देखिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और क्या है, 5/8 ऑफ ए डे, जो भी पूछ रहा है, डे पूछ रहा है, आवर्स पूछ रहा है, मिनट पूछ रहा है, कुछ भी चीज पूछ सकता है, ठीक है, वीक पूछ रहा है, मंथ पूछ देगा। तो आपको क्या करना है, आप जानते हो वन डे में कितने आवर्स होते हैं, यहां पे लिखोगे 1 day is equal to 24 hours, ओके बेटा, देन 5/8 of 24 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 × 3 = 24, ठीक है, 5 × 3 = 15 hours, एंड दैट इज योर आंसर। कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप कर लोगे बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों में दिए हैं, ओके। तो प्रैक्टिस करिएगा, प्लीज प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए अब यहां पे आपका मल्टीप्लाई फिनिश हो जाता है, ठीक है। अब आपका एक टर्म यहां है, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, किसी को पता है कि रेसिप्रोकल किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, आपने पढ़ा होगा, ये 6 में भी पढ़ा होगा। देखिए क्या कह रहा है, टू फ्रैक्शंस आर सेट टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। किसी भी दो फ्रैक्शन को हम तब एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोलेंगे जब उन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, 1 हो। क्या हो उन दोनों का प्रोडक्ट बेटा, 1। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, अभी हम ए और बी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास कोई भी है ए अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बी अपॉन ए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, आपका प्रोडक्ट क्या आ गया, 1। तो इसका क्या मतलब है कि जो रेसिप्रोकल होता है वो फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन आपको दिया है उसका जस्ट अपोजिट। अगर कोई फ्रैक्शन है 3/4 तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। अगर कोई फ्रैक्शन दिया है 6, ओके, अब आप कहोगे मैम इसका मैं उल्टा क्या करूं, तो 6/1 तो सिक्स अपॉन वन लिख सकते हैं ना, इसका अपोजिट कर दिया आपने 1/6। तो किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वो वैल्यू होती है जिसका प्रोडक्ट करने पर हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए, 1 हो जाए। या शॉर्ट वे में आप ये समझ सकते हो कि किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल उसकी अपोजिट वैल्यू होती है। चलिए क्वेश्चन के माध्यम के थ्रू हम समझ लेते हैं इस चीज को। जो मैथमेटिक्स के टर्म है बेटा, वो अगर आप एग्जाम्पल से समझोगे और उसको तुरंत नोट डाउन कर लोगे और उसको एक दो बार एक थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे तो आराम से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, देखिए, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7। 3/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/3, ठीक है। अब इसका प्रोडक्ट निकाल के हम देख लेते हैं, 7 से 7 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया, आंसर क्या आ गया आपका, 1, ओके। अब आ गया 6, 6/1 रेसिप्रोकल आ गया 1/6, 1/5, 5/1, या इसको लिख सकते हैं 5, क्लियर। अब ये रेसिप्रोकल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी डिवाइड वाला टर्म्स है वो इसी पे बेस्ड है। तो समझ में आ गया सबको, ओके, देन नेक्स्ट। अब देखो क्या है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, आज चैप्टर हमारा यहां पे फिनिश हो गया है।
ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। तो फ्रैक्शन आपको ऑलमोस्ट अगर आपने एकदम आराम से क्लास की होगी, हर क्लास को देखा होगा, अटेंड किया होगा, तो आपको फ्रैक्शन में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक, चलो फ्रैक्शन क्या है, सॉरी डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या है। टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन द फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकेंड। क्या कह रहा है कि किसी भी फ्रैक्शन को आप अगर दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द अनदर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है ए अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी, कुछ नहीं करना है, आपने लिखा ए अपॉन बी, डिवाइड की जगह साइन लगाया मल्टीप्लाई का, इसका रेसिप्रोकल कर दिया डी अपॉन सी, और उसके बाद की सारी प्रोसेस आपको वैसे ही करनी है जिस तरीके से आपने मल्टीप्लाई वाले टर्म्स किए हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि टू डिवाइड अ फ्रैक्शन, अगर आपको किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, देन फर्स्टली फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन को आपको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, और जो आपका आंसर आएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। ओके, चलिए एग्जाम्पल करते हैं इस पे हम लोग। क्या है, जल्दी से क्वेश्चंस लिख लीजिए, क्योंकि एक मैं करूंगी और एक आपका होमवर्क होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए। ठीक है, चलिए 28 बाई 7 अपॉन 4, बाय का मतलब क्या होता है, डिवाइड। आपने ये क्या किया, डिवाइड का साइन लगा दिया, इसको अपॉन वन लिख दिया, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो इसके अपॉन वन आप कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा रूल क्या कहता है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 7, 7 वन जा 7, 7 फोर जा 28 एंड योर आंसर इज 16। क्लियर, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या कह रहा है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, एक वर्ड प्रॉब्लम भी करा दे रही हूं ताकि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सके। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 1/4 केजी ऑफ मैंगोज इज 231 रुपीज 231 231। एट व्हाट रेट पर केजी आर द मैंगोज बीइंग सोल्ड। तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 1 केजी मैंगोस। ठीक है, इसको यहां पे आप इन प्रॉपर में चेंज कर लीजिए, इज इक्वल टू 231। अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 केजी टू थ्री वन डिवाइडेड बाय 21/4। अब हमको क्या करना है, दूसरे वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देना है इसके रेसिप्रोकल से। ठीक है, 11 फोर जा 44 रुपीज पर केजी एंड दैट इज योर आंसर। क्या करते हैं, जब हमारे पास, आपको ये चीज तो, आपको ये बेसिक तो क्लियर होगा कि जब हमें बहुत ढेर सारी चीजें देने के बाद किसी एक चीज की वैल्यू पूछता है तो हम डिवाइड करते हैं, बट जहां पे हमको 1 केजी की वैल्यू देके 10 केजी की पूछेगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत छोटे बच्चों को बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपको इतने केजी एप्पल की प्राइस दिया है और 1 केजी की पूछ रहा है, तो आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आएगा 44 रुपीज 44 पर केजी।
ओके क्लियर, कॉपी कर लीजिए जल्दी से इसको। चलिए आपका ये चैप्टर यहाँ पे फुल्ली कंप्लीट हो गया। अब ये आपका वर्क है कि आप इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। जो भी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, एनी बुक, कोई भी बुक अगर आपके पास है तो उससे रिलेटेड सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। और आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी या उस टॉपिक को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके चलिए, तो आज की क्लास जो थी वो हमारी यहीं तक थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है? हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर हमारा है डेसिमल। ओके चलो।